गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, सब्जेक्ट साइंस, लेसन नंबर 3, नेचुरल फाइबर्स टू फैब्रिक। अब हम आगे का लेसन पढ़ेंगे, टेक आउट पेज नंबर 54। सो प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक्स, आपने देखे होंगे फैब्रिक्स जो कपड़े होते हैं उन पे अलग अलग तरीके प्रिंट होते हैं, छाप होती है या कोई कोई अलग अलग डिजाइंस होती है। तो वो डिजाइंस और जो पैटर्न्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं या कहाँ पर बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर टू फैब्रिक्स इन डेफिनेट पैटर्न्स और डिजाइन। सो अलग अलग पैटर्न्स और अलग अलग डिजाइंस अलग अलग कलर में कपड़े पे बनाए जाते हैं, जिसे हम टेक्सटाइल प्रिंटिंग कहते हैं। इन राजस्थान द बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट प्रिंटिंग कैन बी सीन इन सांगानेर, दैट इज इन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला दैट इज इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट एट्सेट्रा ऑल्सो आर द सेंटर्स ऑफ प्रिंटिंग। सो दीज आर द सेंटर्स, ये वो जगह दी गई है जहाँ पर ये प्रिंटिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग का काम होता है। पेंटिंग इन दीज प्लेसेज इज डन बाय वुडन ब्लॉक्स। वुडन ब्लॉक्स मतलब लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं जिसपे डिजाइन बने होते हैं, उनकी हेल्प से ये पेंटिंग या प्रिंटिंग की जाती है। द ब्लॉक्स आर यूजली मेड ऑफ वुड एंड द डिजाइन इज हैंड कार्व्ड so that it stands out in relief against the background surface. So एक ब्लॉक्स जो होते हैं उसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइन बने होते हैं जो हाथों से बनाए गए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह से सरफेस मतलब एक प्लेन कपड़े पे उनके अलग अलग डिज़ाइन को पैटर्न किया जाता है फैब्रिक के ऊपर कि वो डिज़ाइन उभर के आता है। द प्रिंट पेस्ट इज अप्लाई टू द डिज़ाइन सरफेस ऑफ द ब्लॉक। अब जो ब्लॉक होता है उसके जो डिज़ाइन होता है उसके ऊपर पहले प्रिंट पेस्ट मतलब जो भी हमें प्रिंट करना होता है पहले उसको चिपकाने के लिए वो लगाया जाता है। देन द ब्लॉक देन प्रेस्ड अगेंस्ट द फैब्रिक। अब जो हम छाप लगा रहे हैं या डिज़ाइन लगा रहे हैं तो उसको हम उस ब्लॉक को हम फैब्रिक के ऊपर प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, छाप देते हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद डिफरेंट डिजाइंस एंड कलर्स अंटिल द पैटर्न इज कम्प्लीट। फिर उसको फॉलो करते हुए पूरा कपड़ा बनाया जाता है जिस तब तक एक पूरा पैटर्न बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक। फॉर कलरिंग एंड प्रिंटिंग वेल एंड कॉटन क्लॉथ्स लाइक मसलिन क्लॉथ एंड सिल्क क्लॉथ आर यूज। सो बेसिकली कलरिंग और प्रिंटिंग वेल, कॉटन क्लॉथ्स इन या फिर मसलिन क्लॉथ जो कॉटन से ही बना होता है, फाइन मसलिन क्लॉथ्स होता है पतला सा, या फिर सिल्क क्लॉथ, इन क्लॉथ्स को यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग के लिए या फिर कलरिंग के लिए। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड भांत इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। सो भांत नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द वे दैट द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स वर क्रिएटेड। सो एक उसी तरह का प्रोसेस है जैसे पहले बार बुक्स को छापा गया था। दिस मे साउंड सिंपल, लेकिन ये आपको आसान लगता है, बट कीप इन माइंड दैट ईच ब्लॉक कैन ओनली बी कवर्ड इन अ सिंगल कलर ऑफ इंक और डाई, ओनली टू ब्लॉक कंटेनिंग द पार्ट ऑफ द ओवरऑल डिज़ाइन यूटिलाइजिंग दैट कलर। सो अगर होता क्या है, वो सिंगल कलर में चलता है क्योंकि ब्लॉक को हम बार बार रिपीटेडली एक पैटर्न में उसको बार बार प्रेस करते जा रहे हैं, पैटर्न उभारते जा रहे हैं एक बेसिक कलर के ऊपर, नीचे जो बेस कलर है उसके ऊपर। स्पेशलिटीज ऑफ कॉटन फैब्रिक, अब कॉटन फैब्रिक कैसे स्पेशल है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ कूल, ठंडा रहता है। इट इज़ ईजियर टू वॉश एंड केयर फॉर देन अदर फैब्रिक। सो सिल्क वूल से ज़्यादा आसान होता है इसको धोना और केयर करना। कॉटन इज़ सॉफ्ट, एब्जॉर्बेंट एंड ब्रीथेबल। ब्रीथेबल मतलब सांस लेने में आसानी होती है, हम गर्मियों में इसलिए पहनते हैं क्योंकि पसीना सोख लेता है और ये सॉफ्ट होता है। कॉटन फैब्रिक्स आर अपीलिंग, अपीलिंग मतलब दिखने में अच्छा लगता है। कॉटन डज नॉट कैच फायर इजीली, आग जल्दी से नहीं लगती है। इट डज नॉट कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, और इससे एलर्जिक रिएक्शंस भी नहीं होते हैं जो कुछ लोगों को अलग अलग जैसे वूल से भी होती है, कुछ को एलर्जीज होती हैं। सो ये एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है। असाइनमेंट, व्हाट इज़ वीविंग, वीविंग क्या होता है, अदर नेम्स ऑफ हैंड स्पिंडल और स्पिनिंग व्हील, सम यूजेस ऑफ जूट फाइबर, साइंटिफिक नेम ऑफ मून। सो आपको ये अपने आप ही आंसर्स अंदर से ढूंढने हैं, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। देन कम्स एनिमल फाइबर। अब हमने प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ लिया है, अब हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एनिमल से मिलते हैं। सो कौन कौन से एग्जाम्पल है, सिल्क एंड वूल। तो सिल्क और वूल हमें सिल्कवॉर्म या शीप से मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें एनिमल फाइबर्स कहते हैं। तो ये एनिमल्स फाइबर है वो भी नेचुरल फाइबर्स आते हैं, और हम वूल और सिल्क के बारे में अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55। वूल,
वूल कम्स फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप गोट याक एटसेट्रा. स्किन ऑफ शीप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर. सो वूल जो होती है वो हमें शीप गोट याक से उनके बालों से मिलते हैं, उनके हेयर से मिलते हैं, जिन्हें हम फ्लीस कहते हैं. सो जो शीप की स्किन होती है वो दो तरीके की होती है, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन. सो जब हम भेड़े पालते हैं, शीप पालते हैं, तो जो ऊपर के जो उसके बाल होते हैं वो कोर्स मतलब बहुत हार्ड होते हैं, जो हार्ड हेयर होते हैं, और जो अंदरूनी स्किन के पास जो सिन के पास के जो बाल होते हैं वो फाइन और सॉफ्ट होते हैं, हल्के पतले और सॉफ्ट नरम होते हैं, विच आर क्लोज टू द स्किन, स्किन के जस्ट पास में. द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वूल. सो फाइन हेयर जो स्किन के पास हैं वो वूल बनाने के काम आते हैं. शीप विद सॉफ्ट हेयर आर ब्रीड टू गिव बर्थ टू शीप हैविंग ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. सो ऐसी शीप्स पाली जाती है, ऐसी शीप्स ब्रीड की जाती है जिनसे हमें सॉफ्ट हेयर मिलते हैं. दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग. क्योंकि वो सेलेक्टिवली यूज की जाती है, मतलब रेयरली ही यूज की जाती है, उनके लिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है. एक स्पेशल तरीके के शीप्स को ही ब्रीड किया जाता है, इसलिए उसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग अमंग द पेरेंट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू गेट इन देयर ऑफ स्प्रिंग इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सो ये पूरा प्रोसेस होता है जब शीप को ब्रीड किया जाता है उनके पेरेंट्स के साथ, और एक डिजायरेबल कैरेक्टर मतलब जो चीज़ हमें चाहिए सिर्फ उसके लिए, और उस ब्रीडिंग को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं. क्योंकि वो सेलेक्ट इस तरह से किया जाता है कि वो प्रोसेस सिर्फ उसी चीज़ के लिए काम आता है. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड. सो वूल प्राप्त करने के लिए हम शीप्स को पालते हैं, देयर हेयर इज कट, बालों को काटते हैं, देन प्रोसेस्ड इनटू वूल, और फिर वूल में प्रोसेस करते हैं. और वो प्रोसेस क्या है, शेयरिंग. सबसे पहले किया जाता है शेयरिंग. शेयरिंग इज द रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप अलॉन्ग विद थिन लेयर ऑफ स्किन. सो सबसे पहले जो फ्लीस मतलब उसके जब बालों को रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं. हेयर आर रिमूव्ड जनरली ड्यूरिंग हॉट वेदर सो दैट दे मे सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोटिंग. सो ज़्यादातर ये गर्मियों में ही किया जाता है, क्योंकि जब उनके बाल उतर जाते हैं जानवरों के तो उनको ठंड लगती है, तो वो गर्मियों में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, इसलिए उनको गर्मियों में ही उनके बाल शेयर किए जाते हैं, उतारे जाते हैं. वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन यार्न. अब उस हम जो फाइबर्स हमें मिले हैं हम उसको यार्न में प्रोसेस करते हैं. फर्स्ट मेथड इज स्कोरिंग. द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थरली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट डर्ट एंड दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग. तो स्कोरिंग में क्या होता है, इसमें जो उसके जो फाइबर्स होते हैं, जो बाल हमें मिले होते हैं, उसको अच्छे से गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ धोया जाता है, जिससे उसमें जितनी भी गंदगी होती है, ग्रीस होती है, डर्ट होती है, वो सब निकल जाए. सॉर्टिंग आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन. सॉर्टिंग मतलब उसको अलग अलग छाटना. दे हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड. अब जो अलग अलग टेक्सचर्स के होते हैं, अलग अलग टेक्सचर्स मतलब कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, तो उन सब के हेयर्स को अलग अलग किया जाता है. ड्राइंग द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. सो जो अब लंबे लंबे बाल है उससे छोटे और फ्लफी सॉफ्ट जो बाल्स होते हैं जिनको बर्स कहते हैं, उनको अलग किया जाता है. द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राई. और फिर वापस उसको स्कोर धोया जाता है, सुखाया जाता है. दिस इज वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर्स. अब जो हमें वो छोटे छोटे जो बाल मिल रहे थे, अब हम उसको तैयार है वो आगे प्रोसेस के लिए. कलरिंग द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक ब्राउन और व्हाइट. सो अब हमको जो नेचुरल फाइबर जो मिल रहा है उस गोट से या शीप से एनिमल से, जो वो तो ब्लैक ब्राउन या वाइट कलर का होता है. अब हम उसको दोबारा डाई करते हैं. रोलिंग इन टू यार्न. अब जब डाई हो जाता है तो उस फाइबर को स्ट्रेटन किया जाता है, कॉम्ब्ड मतलब उसको सीधे कंगी की तरह से किया जाता है, रोल्ड इन टू यार्न, और फिर उसको थ्रेड में चेंज किया जाता है. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इन टू वूल फॉर स्वेटर्स, शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इन टू वुलन क्लोथ्स. सो जो मेनली अच्छे जो फाइबर्स होते हैं, लंबे जो होते हैं, उसको तो वूल स्वेटर्स बनाने में काम आते हैं, और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको वापस स्पन करके और वुलन क्लोथ्स में बनाया जाता है. आपने देखा होगा अलग अलग वैरायटी के वुलन क्लोथ्स आते हैं, तो वो डिपेंड होता है कि उस वो किस तरह का फाइबर है, बड़ा है, छोटा है, हल्का है कि अच्छी क्वालिटी का है.
देन कम सिल्क. सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म. सिल्क है जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. इट इज ऑल्सो एन एनिमल फाइबर. ये भी एक एनिमल फाइबर है. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स आर ऑब्टेन्ड. सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. सो जब सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है हमें सिल्क के लिए, हमें सिल्क लेने के लिए, तो उस प्रोसेस को सेरिकल्चर बोलते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. अब जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, उसके बारे में. द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग ऑन मलबरी और प्लम लीव्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म. सो फीमेल सिल्क मोथ होती है जो मलबरी लीफ, शहतूत के जो पेड़ होते हैं या प्लम लीव्स होती हैं, उसके ऊपर वो एग्स देती है. फिर वो लार्वा में चेंज होते हैं और वो कैटरपिलर्स बनते हैं या फिर सिल्क वॉर्म्स बनते हैं. कैटरपिलर्स ग्रोस इन साइज एंड वीव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ एंड एंटर नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. अब जब कैटरपिलर में बन जाता है तो वो बड़ा हो जाता है. फिर जो थोड़े दिन बाद वो अपने आप के चारों तरफ एक नेट जाला सा बुन लेता है और अपने आप को उसमें होल्ड करके बंद कर लेता है, और उस प्रोसेस को, उस स्टेज को हम प्यूपा बोलते हैं. सिल्क वॉर्म स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन. अब सिल्क वॉर्म होता है जो अपने चारों तरफ जो धागा बनाता है, जो फाइबर बनाता है, वो प्रोटीन का बना होता है. फाइबर हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर. अब वो जो फाइबर होता है जो बाहर के एयर के एक्सपोजर में आता है तो वो हार्ड हो जाता है और बाद में सिल्क फाइबर में चेंज हो जाता है. सून द सिल्क वॉर्म कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स. अब वो अपने आप को पूरी तरफ, जब वो सिल्क वॉर्म अपने आप को पूरी तरह से कवर कर जाता है तो उस कवरिंग को हम ककून कहते हैं, जो ककून बनाता है. देन फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. अब उन्हीं ककून को कलेक्ट किया जाता है सिल्क थ्रेड बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम उन ककून्स को कलेक्ट नहीं करेंगे और वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो बटरफ्लाई में या फिर एडल्ट मोथ में चेंज हो जाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स. सो अलग अलग तरीके के सिल्क अलग अलग मोथ के ककून से मिलते हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिल्क मोथ इज इन द मलबरी सिल्क, दैट इज बॉम्बिक्स मोहरी. सो जो फेमस है वो मलबरी सिल्क से, सिल्क मोथ से मिलता है. टसर, मुगा, कोसा एटसेट्रा आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क. तो ये कुछ और वेराइटीज़ है जो सिल्क की दी हुई हैं. कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में. सिल्क आया था चाइना से करीबन 2700 BC बिफोर क्राइस्ट. द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एवर वुलन क्लोथ वॉज फाउंड इन डेनमार्क. डेनमार्क में सबसे ज़्यादा पुराना वुलन क्लोथ मिला है. अब डेट्स बैक टू 1500 BC, 1500 साल BC पहले. The oldest woolen carpet was discovered in Chile, Siberia. Woolen carpet जो सबसे पुराना है वहाँ मिला है, found to date back to 500 BC, before Christ 500 BC. Cotton remains the king of the natural fibers. Cotton को हमेशा ही natural fibers का राजा माना गया है, because selling more than any other fiber worldwide. तो सबसे ज़्यादा cotton fabric ही बिकता है दुनिया में. Flax is one of the strongest natural fiber ever discovered. So flax जो है एक plant fiber है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, नेचुरल फाइबर माना जाता है. फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बनाना प्लांट. और आजकल हम बनाना प्लांट्स के भी फाइबर्स ऑब्टेन करे जा रहे हैं. फ्रॉम ककून टू सिल्क. अब ककून से सिल्क कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर ककून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. दिट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. सो पहले सिल्क लेने के लिए मॉथ्स को रियर किया जाता है और फिर जब वह ककून में कन्वर्ट हो जाता है तो उनको कलेक्ट किया जाता है टू गेट द सिल्क थ्रेड्स और फाइबर्स. अ पाइल ऑफ ककून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स. द ककून आर केप्ट अंडर द सन और बॉयल्ड और एक्सपोज टू स्टीम. सो उन ककून्स को एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में रखा जाता है या फिर धूप में, तेज़ धूप में, या फिर उबाला जाता है या फिर एक्सट्रीम स्टीम, बहुत गर्म भाप में उन्हें रखा जाता है. द सिल्क फाइबर्स आर सेपरेटेड आउट. फिर उससे सिल्क फाइबर्स अपने आप अलग हो जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. अब जब दो थ्रेड जब ले लिया जाता है ककून से फॉर द यूज एज सिल्क, सिल्क का कपड़ा बनाने के लिए, इसको हम रीलिंग द सिल्क बोलते हैं. सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स. फिर उनको सिल्क थ्रेड्स में चेंज किया जाता है, धागे में चेंज किया जाता है, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ, और फिर उनको कपड़ा बनाया जाता है. अ फीमेल सिल्क मोथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम. एक फीमेल सिल्क मोथ एक बार में हंड्रेड्स ऑफ एग्स, 100 से भी ज़्यादा
एग्स देती है. द एग्स आर लेड ऑन लीव्स, एग्स लीव्स पे दिए जाते हैं, देती हैं. द एग्स आर वॉर्म्ड अंडर सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लावा कॉल्ड कॉटेबलर टू हैच फ्रॉम एग्स. उनको एक वॉर्म गर्म कंडीशन, सूटेबल टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाता है जिससे कैटरपिलर उन एग्स से हैच हो सके. दीज कैटरपिलर्स ईट वेल एंड ग्रो इन साइज. अब जो जिस लीव्स पे वो कैटरपिलर रहते हैं वो उन लीव्स को खाते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं. आफ्टर 25 to 30 days दीज लावा स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग कोकून. और 25 से 30 दिन बाद ये कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और अपन अपने आप के चारों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, फाइबर्स क्रिएट कर देते हैं, अपने आप को उसमें बंद कर लेते हैं और ककून फॉर्म करते हैं. द सिल्क मॉथ डेवलप्स फ्रॉम इनसाइड द ककून. और इसी के अंदर सिल्क मॉथ डेवलप होता है, इस ककून के अंदर ही. सो रीड दिस लेसन एट होम. माइंड मैपिंग इज गिवन, दैट इज छोटा सा वो दिया हुआ है आपको, एक प्रोसेस दिया हुआ है जो भी हमने आगे पढ़ा है उसके बारे में. यू हैव टू रीड दिस लेसन एट होम कंप्लीट विद द समरी ऑफ द चैप्टर. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज. थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे.